हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आज मैं अपना ना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, और उम्मीद करूँगी कि मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाना होता है। बेटी का तो छुट्टी हो रखा है आजकल। तो मेरा मॉर्निंग कैसा रहता है, मॉर्निंग में मैं क्या क्या करती हूँ, मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ब्लॉग शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने फटाफट प्याज काटा, और जो है आज मैं बना रही हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए आलू पालक की सब्ज़ी एंड रोटी बनाऊँगी। और उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। बच्चों लोग, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, बिना लाइक करे मत जाना, और कोशिश करना कि वीडियो को शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया और साथ में आलू डाल दिया, ताकि तीनों चीज़ें एक साथ जो है ना लाल हो सके, और अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इनमें मसाले इंक्लूड करूँगी। मैं फिर रात को ही पालक वगैरह काट के उनको उबाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह मेरे को लेट ना हो। तो कुछ प्रिपरेशन रहते हैं जिसे मैं जल्दी कर लेती हूँ रात को ही। अगर बच्चों लोग, दादी अम्मा की ये वाली वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपना एक कमेंट, अपना एक ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना। तो मैं दिखा रही हूँ कि बच्चे अभी सो रहे हैं, बेटी सो रही है, बेटा सो रहा है, हस्बैंड जो है साथ के साथ मेरे उठ गए थे, वो नहाने चले गए थे। जब तक वो नहा के आएंगे, तब तक मैं किचन में, लिविंग रूम में एंड बेडरूम में जो है ना झाड़ू पोछा भी कर दूंगी, ताकि उनको पूजा वगैरह करने में ना दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है, मसाले सारे डाल दिए मैंने इसमें, और यहाँ पे मैंने रख दिया अपने लिए एक कप चाय पीने के लिए, क्योंकि अभी पूजा का जो भोग का चाय बनेगा ना, वो अलग से बनेगा। और सुबह सुबह खाली पेट जो है ना मेरे को चक्कर आते हैं, क्योंकि अब मेरी उम्र भी हो चुकी है। तो हस्बैंड नहाने के लिए चले गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक झाड़ू पोछा कर लूँ और मैं भी नहा के आ जाऊँ। वो नहा के निकलेंगे, उसके बाद मैं आटा लगा के रख दूँगी, और ना जैसे वो नहा के निकलेंगे मैं उसके बाद रोटियाँ बना दूँगी, साथ में भोग वगैरह भी बना दूँगी। तो कुछ मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है कुछ ऐसा ही होता है। तो ये मेरा ना एक छोटा सा टैलेंट है, तो सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये छोटा सा टैलेंट शेयर करूं। मैं थोड़ा सा मिमिक्री भी कर लेती हूँ, आवाज़ वगैरह भी बदल लेती हूँ, कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ भी निकाल लेती हूँ। तो बैड कमेंट मत करना बच्चों लोग, क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों के साथ डिफरेंट आवाज़ में बात करूँ। तो हस्बैंड नहाने के लिए गए थे, तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है ना लिविंग रूम में झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, क्योंकि जब तक मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी घर में पूजा पाठ का जो है पूजा पाठ नहीं होगी, तो इसीलिए हस्बैंड गुस्सा करते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा डर की वजह से भी जल्दी उठ जाती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। फिर मैं आटा निकाल के ना इसको गूंथ के रख दूंगी, ताकि मैं फिर नहा के आऊँ तो फटाफट जो है ना रोटियाँ बना सकूँ। यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, मैं नहा के भी आ गई हूँ, बाल धोया था मैंने शैम्पू से, और यहाँ पे आरती चल रही थी, तो मैं भी आरती में शामिल हो गई, थोड़ा सा तो नहीं, मैं पूरा ही शामिल हुई हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैं थोड़ा सा शामिल हुई हूँ, पूजा पाठ में तो पूरा ही शामिल होना पड़ता है ना बच्चों लोग। तो आप ऐसा मत बोलना कि मैं आधा शामिल हुई हूँ। तो यहाँ पे आरती चल रही थी, आरती हस्बैंड ने शुरू कर दी थी जब तक मैं नहा के आई हूँ। मेरे को बाल भी धोना था, मैंने आटा लगा दिया था, सब्जी छौंक दी थी और एक तरफ रख दिया था चाय बनने के लिए। तो ये सारे काम करने के बाद मैं फटाफट नहा के आ गई, तो यहाँ पे आरती भी जो है ना कंप्लीट हो गई, और उसके बाद मैं पीऊँगी थोड़ी सी चाय, और उसके बाद जो है ना भोग वगैरह भी लग चुका है। देख सकते हैं मैं नहा के आ गई थी, बाल धुला, थोड़े से चाय लिए मैंने, और आज पता नहीं क्यों मेरी जो आवाज़ है ना वो ढंग से नहीं निकल रही, लेकिन मैं इससे अच्छी भी आवाज़ निकाल लेती हूँ, अलग अलग टाइप की आवाज़ें जो है ना मैं निकाल लेती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये आवाज़ पसंद आए ना गाइस, तो वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कर देना, प्लीज़ 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 मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हस्बैंड टिफ़िन लेके जा चुके थे ऑफिस, मैं फिर बेटी के लिए ब्रेड, यहाँ पे ब्रेड जो है ना सेका, और उसके लिए चाय बनाई, और उसके बाद यहाँ पे बिस्किट दिया। तो ये चाय नाश्ता जो है ना, नहीं, ये चाय नाश्ता तो मेरे हस्बैंड के लिए था, मैं भूल गई थी, अभी वो गए नहीं है, क्योंकि एडिटिंग करते समय ना मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना भूल जाती हूँ। और ये नया तवा मैंने मंगाया है, नॉन स्टिकी तवा मंगाया है, थोड़ा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा सा लग रहा है इस तवे पर रोटी बना के। और एक रोटी थोड़ी सी जो है ना मैं चाय देने के लिए जब गई थी, थोड़ा सा पानी पीने लग गई, तो फिर जो
एक रोटी जो है ना हल्की सी जल गई, तो मैंने उसको साइड कर दिया। नया रोटी बना के जो हस्बैंड को टिफिन में मैंने रख दिया, नहीं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं मेरे को। रोटी जो है ना उनको टिफिन में अच्छी अच्छी रोटियाँ चाहिए होती है। सब्जी जो है ना पालक आलू पालक की बहुत 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 टेस्टी बनी थी, क्योंकि हमने भी उसी समय जो मैं नहा वहा के आ गई थी, एक रोटी मैंने अपने लिए भी बना ली और साथ में खा लिया। फिर अब जब घर के सारे काम खत्म हो गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, तो अब मैं सोच रही हूँ बच्चे सो रहे तो मैं भी थोड़ा देर रेस्ट कर लूँ। और रेस्ट करते करते कब मेरी आँख लग गई मेरे को पता ही नहीं चला, उठी तो फिर बेटी ने घर के जो बच्चे हुए काम थे, थोड़े बच्चे चाय नाश्ते के बर्तन थे वो धुल दिए थे, रोटी बना दी थी, तो उसने मेरे को खाना ला के दिया। तो फिर मैंने जो है दोपहर का लंच किया, क्योंकि नाश्ता मैंने एक ही रोटी खाई थी, और उसके बाद जो है मेरी कब आँख लग गई। नहाने के बाद तो इतना अच्छा अच्छा सा लग रहा था। और गाइज मैंने AC भी ठीक करवा लिया, क्योंकि बाहर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैंने सोचा कि AC ठीक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस समय। फिर आ गया टाइम शाम का, इवनिंग का नाश्ते के लिए मैंने बनाया बच्चों के लिए ब्रेड पकौड़े चाय और मूली। फिर उसके बाद 7 बजे के लगभग मैंने फ्रेंच फ्राइज मंगाई और चिली पटेटो मंगाया बच्चों के खाने के लिए। कुछ ना कुछ स्नैक्स जो है ना मैं बाहर से मंगा ही देती हूँ, बच्चों को पसंद आते हैं खाने के लिए। गर्मी पड़ रही तो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मैं खाने नहीं देती। उसके बाद मैंने रात के डिनर में बनाया जो है मूली की सब्जी और रोटी। रोटी बेटी बनाती है मेरी, सब्जी वगैरह जो है ना मैं छौंक देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी बनाते बनाते मेरे आंखों में आंसू आ गया था, मैं रोने लग गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो का एंड भी कर देते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू और क्या बोलते हैं बैंगन की सब्जी और चावल बनाऊंगी। ये दूसरे दिन की वीडियो है, चलो मिलती हूँ आप लोगों को फ्रंट कैमरे में। गुड आफ्टरनून, राधे राधे। तो आज ना मैंने छोटा सा रूटीन वीडियो शेयर करा है, एक मिनट TV की वॉल्यूम थोड़ा कम करूँ। नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो PK मूवी आ रही है, वही मैं देख रही थी। खाना बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी और चावल, और अभी मैं पी रही थोड़ा सा लस्सी, मीठी लस्सी, ये देखिए घर पे बना के। वो गाढ़ी गाढ़ी वाली लस्सी मुझे पसंद नहीं है, मैं थोड़ा पानी मिला के पीती हूँ ना, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है। मेरे नाक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ सही से, ना बोल पा रही हूँ। तो मुझे कमेंट आ रहा था कि दीदी आप बताओ कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं बताना तो चाहती हूँ लेकिन मैं शायद नहीं बता सकती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो औरत हो चाहे आदमी हो, अगर बर्दाश्त से बाहर चला जाए, लिमिट से बाहर चला जाए ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके उम्मीद से आपके विश्वास से ज़्यादा हो जाए ना, तो ना वो आदमी बर्दाश्त कर सकता है ना वो औरत बर्दाश्त कर सकती है। तो बस यही हुआ था, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जो मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। लेकिन कुछ लोगों को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो और ऐसी हालत में आपका पति कुछ भी करे, कुछ लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को नफरत हो गई है ऐसे लोगों से, ऐसी सोच के लोगों से कि आदमी जो कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि आदमी तो मर्द है, आप मर्द कुछ भी करे, औरत को तो बस चुपचाप बैठ के एक कोने में देखना है और बैठ के रोना है। औरत बोल नहीं सकती है, औरत अपने हक के लिए नहीं बोल सकती है, औरत जायज़ चीज़ें नहीं बोल सकती है, मतलब आदमी कुछ भी करे, आदमी लोग कुछ भी करे और प्रोवोक भी कराया जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये कुछ ऐसा ही जो किस्सा है ना, कुछ प्रोवोकिंग का ही है कि बड़ों के सामने बच्चे जो है प्रोवोक कर रहे हैं, वो भी दूसरे की घर की बेटी के साथ, और मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ। लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों को अंदर ही अंदर ना बहुत मज़ा आता है कि उनका बेटा ऐसा कर रहा है, तो इसलिए लोग ना भूत बन के तमाशा देखने के लिए ना खड़े ही रहते हैं। वो चाहे कितने भी सगे हो ना, लेकिन दिल से सगे होते नहीं हैं। उनको बहुत मज़ा आता है कि किसी और के घर की बेटी है, उसके साथ कुछ भी हो रहा है तो तमाशा अच्छे से देखो। खैर छोड़िए, मैं ज़्यादा कुछ इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था। बात मेरे बेटे के भविष्य का, करियर का था, तो एक माँ कितना भी दर्द तकलीफ सह सकती है, और सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे बेटे का जो है ना पेपर चल रहे थे, और अगर मेरे बेटे का पेपर है तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखता है भाई। मेरे बेटे का पेपर है तो मुझे घर जाना ही जाना है, चाहे किसी भी हाल में घर जाना है। जब इंसान को ये नहीं पता चल रहा है कि उसके बेटे का अगले दिन पेपर है और वो फुल बैठ के इंजॉय कर रहा है, तो ये कहाँ की मतलब इंसानियत है, कहाँ के लोगों की समझ है जो लोग ये तक नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे का पेपर है तो तुम यहाँ से जाओ।
ठीक है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता गाइस, किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए ना, किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब दुख में थे तब किसी को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, सुख में है तो बस लोग चलो ठीक है पूछ लेते हैं, कुछ लोग पूछ लेते हैं। तो अभी भी कोई ऐसा खास सुख नहीं है जो है ही क्या मेरे पास गाइस, सच बताओ। कमा रहे बस, खा रहे, अपनी ज़िंदगी को जी रहे, नॉर्मली काट रहे। और जब बहुत 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 सारे दुख आए थे ना, तभी भी किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा था, चाहे वो बड़े हो चाहे वो कोई भी हो, किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा था। इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े दुख सहे मैंने, कभी कोई सामने नहीं आया मदद के लिए, ठीक है। और चलो आज हम थोड़ा ठीक, मतलब ठीक है तो कोई बात नहीं। तो इस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, कुछ रीज़न्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो बस इतना ही जान लीजिए कि मेरे बेटे का पेपर था और हम कहीं गए हुए थे, मेरे बेटे का पेपर था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें अगर लिमिट तक होती तो मैं शायद बर्दाश्त करती। कुछ चीज़ें लिमिट से बाहर हो रही थी जो कि मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने सिंपल सा घर जाने के लिए बोला था, और जब इंसान इतना चूर हो जाए किसी चीज़ के उसमें गुमान में ना, तो उसको पता नहीं चलता कि उसका घर ख़राब हो रहा है, उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, या फिर उसके बीवी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी बीवी का अगर बड़ा कुछ हादसा हो गया तो उसकी बीवी का क्या होगा। तो कुछ लोग इस तरीके से चूर हो जाते हैं मज़े में, इंजॉयमेंट में, कि उनको पता नहीं चलता है। और कुछ लोग भी शामिल होते हैं इन सब चीज़ों में, कुछ लोग भी शामिल होते हैं जो ये सारी चीज़ें होते देखते हैं लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। खैर छोड़िए, तो आलू बैंगन का सब्ज़ी बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ, खाना खाऊंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा वीडियो शूट करने वाली हूँ, एक ऐसी जगह जाने वाली हूँ जो कि आप लोगों को मेरा वीडियो देख के बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग। हालांकि बहुत ज़्यादा धूप है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को सांस लेने में दिक्कत है, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मेरे नाक का क्या हालत है इस समय, क्या कंडीशन है। दो दो एक्सरे हो चुके हैं, लेकिन वही है ना कि कुछ चीज़ों के लिए अच्छे से सिखा दिया गया है, समझा दिया गया है, तो वो चीज़ें अब मैं नहीं होती मेरे घर में। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ, ज़रूर डिस्कस करूँगी। बस अभी फ़िलहाल मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ। तो आज आप लोगों को एक ऐसी जगह पर लेके जाऊँगी जिस लड़कियाँ हो और कोई भी हो, आप लोगों को वीडियो देख के बहुत मज़ा आने वाला है। तो वेट करिए वीडियो का, मैं जल्दी आप लोगों के साथ वाली वीडियो शेयर करूँगी। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि पूरा आप लोगों को इंटरटेन कर पाऊँ उस वीडियो में। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो मैं आप लोगों के साथ अब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप सो गाइस कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा रूटीन वीडियो पसंद आया होगा। बाय बाय।